किसने शादी किसने शादी जिसके इतने सस्ते डंबल के पीछे पूरी डंबल के पीछे अरे बहुत ज्यादा हैवी है ब्राइडल लग रहा है एकदम थोड़ा हाँ हैवी है यार हेलो एवरीवन माय नेम इज कशिका वेलकम बैक टू माय चैनल एज यूजुअल आई एम अ वेरी बैड व्लॉगर मैं व्लॉग को स्टार्ट करने ही भूल गई बट नेवर माइंड आज हम जा रहे हैं शादी शॉपिंग पर सो मुझे लगा थोड़ी सी ग्लिम्स आप सबके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप सबको थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है मेरे व्लॉग्स देखना सो व्हाई नॉट सो चलते हैं मेरी फ्रेंड्स के साथ शादी शॉपिंग पर हम कर रहे हैं शादी शॉपिंग सो सबसे पहले वैसे हम साउथ एक्स गए थे लेकिन वो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी बहुत एक्सपेंसिव था सो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि किसी और की शादी के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लेना सो उसके बाद हम गए लाजपत नगर जो सबसे ज़्यादा फेमस है इंडियन शॉपिंग के लिए वहाँ पे हमने 2-3 स्टोर्स एक्सप्लोर किए मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था मतलब मेरा बजट था 5-6-7 हज़ार का ही इस ज़्यादा मैं नहीं स्पेंड करना चाहती थी सो मुझे इतना कुछ वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा था सो रैंडमली हम इस स्टोर में गए विच इज़ मल्होत्राज यहाँ पर जाके मुझे एक लहंगा पसंद आ गया जिसका ब्लाउज ये है लहंगा ऑब्वियसली आप तब देखोगे जब मैं शादी का पूरा व्लॉग या फिर जो भी बनाऊंगी आप तब देखने वाले हो ये लहंगा मुझे डिसेंट लगा अच्छा डिस्काउंट पे भी था तो हमने ले लिया सो लहंगा मेरा शादी का डन हो चुका है उसके बाद हमने थोड़ा सा लाजपत नगर एक्सप्लोर किया मुझे फ्रैंकली बहुत अच्छी लगी है मार्केट मतलब इंडियन से लेके सारे ऑप्शन थे इंडिया का भी स्टोर था यहाँ पर सो अगर आप इंडिया के कपड़ों में इंटरेस्टेड हो यू कैन डेफिनेटली गो ऐसी रैंडम क्वर्की विग्स हमें देखिए मतलब हर कलर की विग्स थी इनके पास ये एक स्टोर है कावेरी सिलेक्शन उसके साथ में स्टोर था इसके ऑपोजिट बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ पे प्लाजो पैंट सूट सेट्स और घर के शॉर्ट्स बैग्स ये शॉप आप देख सकते हो उसमें बैग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है ये गुलाटी गारमेंट्स के बाहर हमें एक फुटवेयर की शॉप मिली जहाँ पर जूतियाँ बहुत अच्छी थी मतलब मुझे इनकी जूती कलेक्शन बहुत ही अच्छी लगी इनके फुटवेयर 300-400 ऐसे 500 की रेंज में थे मैंने एक 550 रुपीज़ की जूती लिया जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी आज इस ब्लॉग में मैं दिखाना भूल गई बट मैं 2-3 ट्राई करी और ये जूतियों का कम्फर्ट बहुत अच्छा था मतलब कुशन था नीचे ये बिल्कुल भी शू बाइट नहीं दे रही थी सो मैंने एक 550 की जूती ले ली विच इज़ लाइक अ न्यूट्रल कलर बट अदरवाइज भी इनके फुटवेयर कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी सो लाजपत नगर इज़ लाइक अ मिक्स यहाँ पे आपको एथनिक से लेके वेस्टर्न सब कुछ मिलने वाला है अगर आप कॉलेज गोइंग हो ऑफिस गोइंग हो कुछ बजट में देख रहे हो कैन डेफिनेटली विजिट एंड ऑफ कोर्स लाजपत नगर की फेमस है चाइनीज चाट हमने वो डोलमा आंटी की नहीं खाई हमने मार्केट के अंदर एक और शॉप है उनकी चाइनीज चाट खाई जो अच्छी थी लेकिन के मोमोज बहुत खराब थे मतलब मोमोज से मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे बट ये चाइनीज चाट अच्छी थी एंड लेमनेड बहुत अच्छा था यहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिली मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे कन्फ्रंट किया कि मुझे रियल लाइफ में कोई सब्सक्राइबर मिली हो मैं थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी बट आई एम सुपर थैंकफुल फॉर सच लव एज वेल ओके सो बाहर आते हुए ये एक शॉप है जहाँ पे सारे पूजा पाठ एंड मतलब जो भी शादी की शॉपिंग का सामान होता है ना वो सब कुछ मिलता है लाइक थाली लिफाफे सो इसके साथ में एक ज्वेलरी वाले भैया बैठे थे बहुत अच्छी इनकी ज्वेलरी कलेक्शन थी अगेन लाजपत नगर में ऐसे एथनिक ज्वेलरीज आपको भरमार मिलेगी और ये सूट सेट हमें वहाँ पे देखिए 550 रुपीज़ में सूट सेट दे रहे थे जिसमें आपको कुर्ती और प्लाजो का एक सेट मिलता है बहुत अच्छी कंफर्टेबल कुर्तीज थी मेरी फ्रेंड ने भी ली थी अपनी ऑफिस के लिए द क्वालिटी वॉज एक्चुअली गुड ये प्लैनेट फैशन है बाहर मेन रोड पर ये उसके बिल्कुल अपोजिट रोड का ये स्टॉल मैं बता रही हूँ और इसी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में था एक ज्वेलरी का स्टोर जहाँ पर मैं ऐसी रैंडमली ज्वेलरी देखने लग गई इतने मेरी फ्रेंड कुर्ता ले रही थी ना तो मैं ज्वेलरी देखना शुरू कर दिया सो जहाँ से मैंने लहंगा लिया था उन्होंने मुझे दुपट्टा दे दिया था कि दुपट्टा आप ले जाओ अगर कुछ मैच करना हो सो मैं कुछ मिक्स एंड मैच करने की सोच रही थी बहुत ज्यादा ब्राइडल लग रहा है एकदम उसमें नूडल्स ट्रैप है तो काफी खाली लगता है गला तो इसलिए मैंने ये ले लिया सो ये सेट मैंने लिया जिसका एक पिंक कलर मैच हो रहा है एकदम वैसे ये भैया जो थे ना ये मोती भी चेंज कर देते हैं सो अगर आपको कोई भी सेट पसंद आया और आपको लगता है नीचे का मोती मैच नहीं हो रहा तो आपको एग्जैक्ट मैचिंग का कलर का मोती भी चेंज करा के देते हैं ही सेट इसी सेट को आप फ्यूचर में ले आओ मैं आपको 100-150 रुपीज दूंगा और एक और नया मोती का सेट बना के दे दूंगा विच इज वेरी कूल तो मैंने एक ले लिया आगे जाके मैं चेंज भी करा सकती हूँ पूरी मार्केट घूमते घूमते शाम हो गई थी कितने क्यूट लंच बॉक्सेस भी मिल रहे थे जो ऑफिस गोइंग के लिए होते हैं बड़े प्यारे प्रिंट थे आई लव्ड इट सो लाजपत नगर पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम थोड़ी बहुत और शॉप से बाहर की तरफ निकले सो लाजपत नगर में हमने ये एक दो ऐसी रैंडम शॉप देखी फिर हम जब बाहर निकले ना मेन रोड की तरफ हम मेट्रो की तरफ जा रहे थे मुझे दिखी बॉम्बे सिलेक्शन का स्टोर अगेन ऐसी स्टोर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती तो मैं शूट नहीं कर पाई और बॉम्बे सिलेक्शन में तब सेल लग रही थी फ्लैट 50% ऑफ मतलब 25% या फिर 50% ऑफ तो मैंने वहां से बचे हुए दो आउटफिट्स और ले लिए तो मेरे आउटफिट का एकदम कोटा पूरा हो गया बहुत ज्यादा थक गए थे एंड आई केम बैक टू होम 2 hours later
सो अब टाइम है मेरे क्विक से नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का। मैं जब वापस आई ना, स्किन बहुत ज्यादा ग्रीसी हो गई थी, एक्ने ब्रेकआउट्स तो चल ही रहे हैं थैंक्स टू मॉनसून। मतलब मॉनसून की जो ह्यूमिडिटी होती है ना बहुत ज्यादा, एक तो चिपचिप स्किन हो जाती है, सारे दिन मार्केट में मास्क भी लगा के रखा तो और ज्यादा ब्रेकआउट्स हो जाते हैं मेरे जॉ लाइन पे, काफी ज्यादा मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं पीरियड के टाइम या फिर मॉनसून के टाइम। सो मैं क्विक सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ, जो मैं एक्चुअल में करती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। इसके अंदर लिटरली 3 स्टेप है। सबसे पहले माइसेल्फ वाटर से पूरा फेस को क्लीन कर लिया, जो भी एक्सेस सनस्क्रीन थी मेकअप था सब कुछ वो निकाल लिया, एंड देन मूविंग ऑन टू फेस वॉश। सो फेस वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ डॉक्टर शेथ का ये नीम एंड सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश, जो काफी अच्छा फेस वॉश है। सबसे पहले इसमें सैल्सिलिक एसिड, विच यू गाइज नो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है BHA, जो डीपली जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उसको क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है स्किन को, एक्ने को भी फाइट करने में हेल्प करता है। देन इसके अंदर नीम भी है, जो बहुत अच्छा एक किलर होता है, बैक्टीरिया किलर होता है, आपके जो भी गंग बैक्टीरिया होता है उसको क्लियर कर देता है। तुलसी और सोडियम लैक्टेट है, जो फाइट करता है एक्ने और एक्ने मार्क्स के साथ, काफी जेंटल है ये, बाय द वे फ्रेग्रेंस फ्री है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को स्ट्रिप ऑफ नहीं कराता, ड्राई नहीं कराता। ये फोम भी काफी अच्छे से होता है, मैं काफी बार ऑयल क्लेंजर के ऊपर भी इसको यूज कर चुकी हूँ, लाइक हैवी मेकअप हटाते ना तो ऑयल लगाती हूँ मैं उसके लिए, मैं उसके ऊपर भी इसको यूज कर चुकी हूँ, ये अच्छे से यूज हो जाता है। सो क्लेंज करने के बाद मैं यूज करने वाली हूँ डॉक्टर शेथ का ही नीम एंड BHA स्पॉट क्लैरिफाइंग सीरम, जो अगेन सबसे बेस्ट है एक्ने स्किन के लिए। इसमें आपको नीम के छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, यू नो डॉक्टर शेथ इज लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सो इसके अंदर भी आपको 2% सैल्सिलिक एसिड मिलता है। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, सबसे पहले या तो आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज कर लो डायरेक्टली एक्ने पर, लाइक जैसे मैं यूज कर रही हूँ, और कुछ कुछ डेज में जब मैं बहुत ज्यादा लेजी होती हूँ, मुझे लगता है मेरी स्किन काफी ज्यादा क्लॉग्ड है, मैं इसको पूरे फेस पर एज अ मास्क यूज कर सकती हूँ। सो इसकी आप थिन लेयर लगा लो एज अ स्लीपिंग मास्क और ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है, एंड देन यू कैन स्लीप एंड सुबह आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हो। इसके अंदर जो नायसिनमाइड भी है वो स्किन को सूथ करता है, टी ट्री ऑयल है जो अगेन बैक्टीरिया को किल करता है, फिर इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो काम डाउन करता है इरिटेटेड स्किन को। सो ओवरऑल ये भी एकदम परफेक्ट है एक्ने स्किन वालों के लिए। डॉक्टर शेथ हैज 90 ईयर्स ऑफ डर्मैट एक्सपीरियंस, दे आर फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड बाय डर्मैट्स, सो ब्रांड को आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट्स आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा ऑफ, एंड दैट इज इट फॉर माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो इट्स द नेक्स्ट डे। कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मतलब मेरा मन था कि मैं पहले थोड़ा सा उस डे को एंड करूं फिर नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूं, बट नहीं, एक ही ब्लॉग बना लेते हैं, इतना मेरा कोई ब्लॉग देखता भी नहीं है। सो आज हम जाने वाले हैं करोलबाग। कल क्या हुआ, जब हम लाजपत नगर से एग्जिट कर रहे थे ना, मैं मेन रोड पर बॉम्बे सिलेक्शन देखा, और मुझे बॉम्बे सिलेक्शन की कलेक्शन अच्छी लगती है। जितनी मेरी फैमिली में शादी हुई मैंने बॉम्बे सिलेक्शन से ही कपड़े लिए हैं, हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड। हम गए वहां पर 50% ऑफ लगा हुआ था, मैक्सिमम गाउन्स कपड़े 50% ऑफ में मिल रहे थे, तो मैंने दो फाइनल आउटफिट्स वहां से भी ले लिए, एंड बॉम्बे सिलेक्शन करोलबाग में भी है, तो आज अपनी मदर को लेके जा रही हूँ वहाँ पे, बिकॉज 50% ऑफ पे मिल रहा है यार, इंडियन कपड़े सस्ते मिल रहे हैं तो ले लो। और वो कह रहे थे 15 अगस्त तक ये सेल है, कल इंडिपेंडेंस डे है, मैं बाहर निकलना नहीं चाहती, सो मुझे लगा आज ही फटाफट जाके एक बार देखाते हैं कलेक्शन। सो आज हम जाने वाले हैं करोल बाग, आज और कल मैं अपने सारे कपड़े डन कर लेंगे, सो दैट फिर हम आराम से मिक्स एंड मैच जो भी हील्स बाकी जो चीजें होती है इयरिंग्स वगैरह वो सब करते रहे। सो लेट्स एक्सप्लोर करोल बाग नाउ। सो बिल्कुल मॉर्निंग में हम चल दिए करोल बाग के लिए, मेरे घर के ऑलमोस्ट क्लोज है ना, तो हम फटाफट मैंने कैब कर ली थी, माई मॉम एंड ऑफकोर्स का मम्मी जाती है तो वृतिका को भी साथ ले लेती है कि ये भी घूम ही लेगी। सो मैं डायरेक्टली मैकडी की मैंने कैब करा दी थी, बिकॉज ये जो मैकडी वाली लेन है ना वहां पर ही सारी इंडियन की शॉप है, सो मेरी मदर को भी ना चलना पड़े इसलिए मैंने ऑप्ट किया था करोलबाग, इसलिए सबसे बेस्ट पड़ता है। चले गए थे बॉम्बे सिलेक्शन के स्टोर में, अगेन वहां पे शूट अलाउड नहीं था तो मैं नहीं दिखा पाई, बट मेरी मदर ने वहां से दो लहंगा नारकली ले लिए 50% ऑफ में मिले, विच इज अ स्टील डील। मैंने भी एक आउटफिट लिया है जो फ्यूचर में आप देखोगे जब मैं कभी किसी फंक्शन में पहनूंगी, वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूं। और मैं जब करोलबाग जाती हूं ना, मैं पंजाब स्वीट कॉर्नर का खाना हमेशा खाती हूं, इसके छोले भटूरे मुझे बहुत ज्यादा यम लगते हैं। बस जबरदस्ती ओवर एक्टिंग करनी है, तो यही तो दिखाई है उन्होंने, पर्पल नहीं ये वाला, ये तो है, ये डार्क पिंक है ना शायद, ये डार्क वाला लाइट है, ये येलो लाइट है, येलो डार्क है, सही लग रही है, लाओ भैया इसमें टाइम सेट कर दो।
उसके बाद मैं रैंडमली स्टोर में गई, जयमाला पर्स एम्पोरियम, मुझे ना रोज गोल्ड सिल्वर टोन का एक बैग चाहिए था, मुझे यहाँ पे मिल गया। वैसे वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, मैंने चुपचाप भी वीडियो क्लिप बनाई है। 1100 का मुझे बैग मिला जो मुझे क्वालिटी वाइज अच्छा लगा। एंड देन वी वेंट टू विशाल मेगा मार्ट, जो मेरी मदर का फेवरेट स्टोर है, अगर वो आती है ना मार्केट तो यहाँ तो जाती ही जाती है। एंड दिस लिटरली लाइक जो मंडे ट्यूजडे मार्केट होती है ना उसका मॉल वर्जन, बिकॉज यहाँ पे इतना सस्ता है ना सब कुछ। अगर आप कॉलेज गोइंग हो ना, मैं तो कहती हूँ विशाल मेगा मार्ट जाओ, आपको सरोजनी से बैठे यहाँ पे डील मिलेंगी। एक तो फ्रेश सामान होता है, डिफेक्ट होने का कोई चांस नहीं होता है, एंड एवरीथिंग इज सुपर अफोर्डेबल। लाइक लुक एट द प्राइजेस, 99, 129, 399 में दो टॉप, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है बच्चों से लेके बड़ों तक का। ये करोलबाग वाला विशाल काफी ज्यादा बड़ा है, आई थिंक रजौरी में भी था लेकिन वो बंद हो गया था, सो यहाँ जरूर जाना। एंड लुक एट दिस, एकदम H&M स्टाइल की ड्रेस है, 499 रुपीज की मिल रही है। मैंने डिट्टो ऐसी ड्रेस मिड लेंथ की H&M पे देखी, एंड क्वालिटी भी इनकी काफी अच्छी थी, सो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। बैग्स थे वहां पर, शॉर्ट्स थे, वी स्पॉटेड दीज पजामास फॉर 99, बिल्कुल पतले कॉटन के मटेरियल के पजामास थे जो काफी ब्रीदेबल थे, सो आप डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अंडर गार्मेंट्स भी काफी सस्ते थे, इनकी कॉटन पैंटीज आती है जो मैं पहले काफी लिया करती थी, बिकॉज वो बाय वन गेट वन में आती थी और काफी कंफर्टेबल भी होती थी। थोड़ी सी हमने कुर्ती देखी, मेरी मदर को एक दो कुर्तीज देखनी थी, सो एज यूजुअल रितिका ओवर एक्साइटेड लगा लगा के सब कुछ देखती रहती है, एंड रितिका वाज सुपर एक्साइटेड ऑन दैट डे। तो पता कैसे बोल रहे हो, टेली ब्रांड के एड में नहीं आते क्वेश्चन की बहुत अच्छी वैरायटी थी, एंड सुपर अफोर्डेबल, लाइक 99 रुपीज में इतने प्यारे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलते। मैंने एक क्वेश्चन लिया, एंड देन आई सॉ दीज माइक्रो फाइबर टॉवल्स जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी फॉर स्किन, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, एंड प्राइस देखे मैं खुद शॉक हो गई। लाइक 60 रुपीज में 3 टॉवल्स ये मिल रहे थे, ऑनलाइन इतना एक्सपेंसिव है ना ये, और ये काफी सॉफ्ट है, तो एक पैकेट मैंने ले लिया फॉर फेस। हाँ तो बस फिर वो देखो ऊपर वहाँ पे हाउस ब्यूटी का, हाउस क्या, हाउस ब्यूटी होम डेकोर, हाउस ब्यूटी कहाँ लिखा है, हाउस ब्यूटी लिखा है, अरे होम ब्यूटीफुल हाउस ब्यूटी। देन वी ऑल्सो स्पॉटेड दीज रग्स फॉर 999, और बहुत अच्छी क्वालिटी के रग्स थे। देन मैट्स भी थे जो छुछड़े मैट आते हैं, आई थिंक अगर आपने न्यू घर शिफ्ट किया या फिर आप कुछ घर के लिए अफोर्डेबल में देख रहे हो ना, यू कैन डेफिनेटली विजिट है, इनके अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। बाय द वे इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय विशाल मेगा मार्ट, मैं रैंडमली चली गई थी। अगेन नेक्स्ट डे 15 अगस्त आना, तो कुछ एक 15 अगस्त की भी इनकी डील चल रही थी, सो काफी चीजें वैसे भी बहुत ज्यादा सस्ती थी, लाइक फुटवेयर्स एवरीथिंग 99 के 299 के। ये सूटकेस के सेट मिल रहे थे, माय मॉम वाज लाइक ले ले, आगे शादी के बाद काम आएंगे, आई वाज लाइक मम्मी ठंड रखो, जब लेना होगा तब ले लेंगे। 3 सूटकेस का सेट मिल रहा था काफी अफोर्डेबल प्राइस में, घर की जो चप्पल्स होती हैं वो सब कुछ, एंड ऑफ कोर्स किचन का सामान। सो किचन का सामान स्पेसिफिकली उस टाइम 15 अगस्त की सेल थी, तो काफी अच्छी डील पर मिल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये सेल आगे चलेगी, तो शी वाज लाइक ऐसे ऑफर चलते रहते हैं, और विशाल की अपनी ऑनलाइन वो भी है, वेबसाइट ऐप भी है, इन्होंने मुझे बाद में बताया बिल काउंटर पे कि आप ऐप से भी अब सेम डील पर ऑर्डर कर सकते हो। सो आई थिंक 2-3 चीजें मैं ऐप से ही मंगवाने वाली हूँ, एक बार कंपेयर करके अमेजोन से, बिकॉज मैं काफी कंपेयर करके चीजें लेती हूँ। एंड अगेन किचन का इतना सारा सामान था ना, मतलब यू नेम इट दे हैव इट, सब कुछ आपको एक ही रूफ में मिल जाएगा। ये छोटे छोटे वॉडका ग्लासेस मुझे काफी क्यूट लगे, जो आप एज अ होम डेकोर भी यूज कर सकते हो। 50-60 रुपीज के थे, सुपर 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 अफोर्डेबल, एंड पे प्रिंट्स भी काफी अच्छे थे। किसी को हैम्पर बना के गिफ्ट करना हो ना, तो आप उसका भी सामान यहाँ से ले सकते हो, आपको लिटरली वो जो इंस्टाग्राम स्टोर्स हैम्पर बनाते हैं ना उससे सस्ता ही पड़ेगा। अगेन ग्रोसरीज के फ्लोर पे हम गए, सबके अलग अलग इन्होंने फ्लोर्स बनाए हुए हैं, तो हम ये किचन और ग्रोसरी के फ्लोर पे गए थे, सब कुछ बहुत अच्छी डील पर था। मुझे ज्यादा बोझ नहीं लेना था, बिकॉज अगर कहीं और जाते तो बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, इसलिए मैंने अपनी मदर को बोला था ऑनलाइन ले लेंगे, अभी सिर्फ लिमिटेड चीजें लो जो हम उठा सकते हैं। मैक्सिमम चीजों पे आपको 30-40% ऑफ, ब्यूटी ग्रूमिंग सैनिटरी नैपकिन्स पर भी ऑफ चल रहा था, जो यूजली केमिस्ट एंड ऑल पर नहीं मिलता। देन बॉडी केयर के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सोप्स, हैंड वॉश, बॉडी शावर जेल्स, किसी पे बाय वन गेट वन था, किसी पे बाय 4 at 99, मतलब बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे था। मैं 2 या 3 साल बाद या कोविड के बाद आई थिंक मैं अब जाके विशाल में तेरे बर्थडे गिफ्ट कैंपर्स मिल गए, वो तो हम तेरे बर्थडे गिफ्ट में देंगे ना, ये तेरे बर्थडे में हम ये वाले हैंपर्स देंगे। सेकंड का टाइम है जो लेना फटाफट ले, 1 2 नहीं एक चीज लेनी है, ये क्या कोई चैलेंज नहीं हो रहा है, रख दे बेटा इतना पैसे नहीं है मेरे पास, चल चल एक चीज बस, चल 10 सेकंड खत्म हो गए, चलो वापस चलो चलो इधर आओ, 10 सेकंड आपको पूरा लूटा ना मैंने, पूरा मुझे मिल गई एक चीज, चलो बोलो 10 सेकंड स्टार्ट। क्या स्टार्टअप तो हो ही गया,
डंबल के पीछे पूरी डंबल के पीछे कुछ लेने नहीं वाले, पता है आप कुछ नहीं लेने वाले। ये लो, आप कह रहे थे ना ये चाहिए मुझे। हम वो वाले फ्लोर पे भी गए जहाँ पे सारे लड़कियों का सामान मिलता है, और ये जितने भी ट्रेंडी वायरल टॉप है ना, जो ऐसे रिब्ड मटेरियल के टॉप चलते हैं, ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे, लाइक 349-249। सो अगर आप कॉलेज गोइंग हो ना, आई वुड से डू विजिट हेयर, आपको अपने बजट के हिसाब से काफी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और हम बिल्कुल थक गए थे, दो तीन कैब कैंसिल होने के बाद फाइनली कैब हुई एंड देन हम चले गए अपने घर। And I'm finally back home. These last two days were like the most hectic days of my life. मतलब Saturday Sunday ऐसे ही गया, मुझे पता भी नहीं चला। साउथ एक्स, लाजपत नगर, करोल बाग, सब कुछ कवर कर लिया। बट आई एम ग्लैड मेरे आउटफिट्स हो गए, मम्मी के आउटफिट हो चुके हैं, अब खाली पिक करने जाना है। सो अब इतना कोई ब्लॉग करने लाइक नहीं होगा। ये सारे जितने स्टोर्स होते हैं वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, तो आई एम रियली सॉरी मैं अंदर का आपको नहीं दिखा सकी, बट मैं जितनी मार्केट आपको बाहर से दिखा सकती हूँ मैंने कोशिश करी। इफ यू लाइक सच ब्लॉग्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसे ब्लॉग्स देखने नहीं देखने, बिकॉज एक शादी तो है लेकिन उसके बाद और भी शादियां हो सकती हैं, तो उनका भी मैं शॉपिंग ब्लॉग बना सकती हूँ। आई होप यू गॉट द हिंट, बट या बताएंगे। सो गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स की बात करी उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।